मादक पदार्थ गांजे की अवैध बिक्री करने वाला आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गया है। मामला सक्ती जिले का है, जहां नगरदा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस को जानकारी मिली कि ग्राम सलिहा भांठा के पास एक ऑटो रिक्शा हादसे का शिकार हो गई, जिसमें गांजा रखा हुआ था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और चालक को गिरफ्तार करने के साथ ही गांजा और ऑटो को जब्त कर लिया। आरोपी का नाम योगेश्वर सिंह है, जो प्रयागराज यूपी का निवासी है, जिसके कब्जे से करीब 11 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी लागत 1,70,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तीन व्यक्ति सवार थे, जिसमें उसका जो ड्राइवर है वो भाग गया है और एक व्यक्ति के पैर टूट जाने से उसे डायरमेंटों से अस्पताल सखी भेजा गया है। एक व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम योगेश्वर सिंह बताया। वाहन को देखने पर लगा कि गांजा उस पर छुपा कर रखा गया है, जिस पर मेरे स्टाफ के द्वारा मुझे सूचित किया गया और मैं अपने स्टाफ के साथ वहाँ जाकर जब तस्दीक की तो गाड़ी के पीछे इंजन में 5 पैकेट गांजा मिला, जिसे तोलने पर 10 किलो 950 ग्राम गांजा मिला, जिसे आरोपी योगेश्वर सिंह के कब्जे से जब्त कर उसे गिरफ्तार कर मारा गया।